हेलो फ्रेंड्स, यूनिक किचन टिप्स एंड ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं फ्राइड राइस बना रही हूँ। ये हमने कढ़ाई गरम कर ली है। अब हम इसमें 4 चम्मच तेल लेंगे। और इसे थोड़ा गरम होने देंगे। अब हमारा तेल गरम हो चुका है, हम ऐसे भी देख सकते हैं। अब इसमें जीरा डालेंगे। जीरा हमारा थोड़ा चटकने लगा है। अब इसमें खड़े मसाले डालेंगे, काली मिर्च, लौंग, तेज पत्ता, इलायची। अब इसे थोड़ा मिलाएंगे। अब इसमें लहसुन डालेंगे। अब बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे। अब ये लाल होने वाला है। अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। इसे थोड़ा भून लेंगे। अब ये थोड़ा भून चुका है। अब इसमें हरी मिर्च डालेंगे बारीक कटी हुई। अभी हमारे प्याज भून चुके हैं। अब इसमें अब हम इसमें सब्जियां डाल देंगे। मटर, अब बारीक कटे हुए आलू, गाजर और फ्रासमिन की फली डाल दी हैं। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब ये हमने सोयाबीन पहले बॉईल करके रखी हुई हैं। अब हम इसमें सोयाबीन डाल देंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसे ढक देंगे। अभी हमारी सब्जियां पक चुकी हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, चिंग फ्राइड राइस मसाला डालेंगे। अब हम इसमें एक कटोरी चावल डाल लेंगे जो मैंने पहले ही बॉईल करके रखे हुए थे। अब इन्हें हम अच्छे से मिला लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब हमारे फ्राइड राइस तैयार हैं, अब हम इन्हें खा सकते हैं।